गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं एलिफेंटा केव्स। मैं अभी हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे, और नाउ दिक्कत की बात ये है कि नाउ द प्राइस हैज़ इंक्रीज, इन लोगों ने 200 रुपया कर दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक सिंगल टिकट नहीं देते, और आज मैं आया हूँ अकेला। सो अभी मैं देख रहा हूँ अगर मैं किसी के साथ टिकट ले सकूँ, सो मैं अभी बंदे ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए तो मैं टिकट लेके एलिफेंटा केव्स चला जाओ। फाइनली एलिफेंटा केव्स पोर्ट पे पहुंच गया हूँ, नॉट एलिफेंटा केव्स। सो ओके, एक जो रीज़न था जो वो लोग सिंगल टिकट नहीं दे रहे थे वॉज कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर दिया है, सो सिंगल टिकट नहीं दे रहे थे। मैंने आईडी भी दिखाया और एक कपल जा रहा था, तो आई रिक्वेस्टेड देम टू यू नो साथ में टिकट ले ले। जो जो फेरी की जर्नी है वो काफ़ी बोरिंग थी, और बट इतना विंड आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, इट्स ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इट्स बेटर कि आप अपना पानी कैरी करें। और जब पोर्ट पे आते हो तो आपको एक टॉय ट्रेन मिलती है जिसका प्राइस है 10 रुपये रिटर्न के। सो ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है, ये देखिए। और जो फेरी की जो अभी प्राइस है वो बढ़ के हो गई है 200 रुपये रिटर्न की, तो आप 200 रुपये में मुंबई पोर्ट से, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया गेट नंबर 3 से एलिफेंट आ सकते हो और वापस रिटर्न जा सकते हो। सो 200 रुपये की टिकट्स हो गई है, और टॉय ट्रेन की टिकट है 10 रुपये। और अगर आप फेरी में जा रहे हो और अगर आपको रूफ टॉप में बैठना है तो उसके आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी वियर्ड। जब आप आओगे सो आपको एलिफेंटा केव्स के वहाँ 5 रुपये एज ए मेंटेनेंस टैक्स भरना पड़ेगा, और वहाँ से ऊपर तक जाने के लिए तकरीबन 120 स्टेप है, सो मैं अभी वही क्लाइंब कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दे डोंट अलाउ यू टू वीडियो शूट, तो मैं भी काफ़ी चुप के वीडियो ले रहा हूँ। आई नो इलीगल है, बट कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। सो ये जो केव है ये काफ़ी छोटा केव है, जो मेन केव था वो काफ़ी ह्यूज था, उसके बाद जो भी सारे केव्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। सो टोटल 7 केव्स हैं यहाँ पे, और 2 बुद्धिस्ट केव्स हैं जो बंद हो गए, और जो बाकी के 5 केव है वो हिंदू के है। सो यहाँ पे अगर जो पहला आपको केव दिखाया था वो आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ थी सब टूटी हुई थी, सो इतनी जूनी है कि उसका कोई रीज़न नहीं पता चला कि ये टूटी क्यों है। और दैट्स इट, अभी मैं आगे नेक्स्ट केव में जा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ बताऊँगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ एम्प्टी केव है। पीछे जो देख रहे हो केव, दैट इज़ द 5th केव, और हमने जो फर्स्ट जो सबसे बड़ी देखी थी वो पहली केव थी, उसके बाद 5 और अलग अलग केव है। जो लास्ट केव है वो नीचे है थोड़ी, बट जो फर्स्ट मेन केव है वहाँ पे मेन स्कल्पचर है, और बाकी जो केव्स है वो छोटी है और काफ़ी एम्प्टी है। हमारी एलिफेंटा केव्स की जर्नी। आई होप वीडियो
वीडियो अच्छा लगा. कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब आप आओ तो कैप, हेड, ग्लेज और शू सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूर लाइएगा और पानी का बॉटल कैरी कीजिएगा बिकॉज काफ़ी गर्म होता है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय वीडियो. जाते जाते सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय.